नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। दिव्य नेत्र दिव्य चक्षु मतलब सुनने की शक्ति, वो जो अनसुना हो, जिसे आप अपने इंद्रियों से ना सुन सकें, और देखने की शक्ति उनकी जिनको आपको देखना वर्जित है, ठीक है, इसको कहते हैं दिव्य चक्षु, दिव्य नेत्र, दिव्य दृष्टि, ठीक। साधक बड़े ललाहित रहते हैं दिव्य दृष्टि के लिए। मैं ये साधना आपको बता रहा हूँ, जैसे ही आपको ये साधना मिलेगी, आप में से 90% लोग इसको करोगे, मुझे पता है। जब मैंने साधना के बारे में अपने YouTube पे लिखा कि मैं ये साधना देने की सोच रहा हूँ, तो मेरे पास एक बहुत ही गंभीर साधक का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि शायद ये साधना लोग ना संभाल पाए। तो इस साधना को देने से पहले, मतलब ये साधना कर्म, मतलब क्रमवध होता है, ऐसा नहीं है कि एक साधना में आपको दिव्य दृष्टि मिल जाती है, लेकिन यह है कि द्वार खुलना शुरू हो जाता है। आज जो मैं आपको दूंगा वो पहली साधना है, जो पहला आपको पहला चरण दिव्य दृष्टि के लिए चाहिए, वो साधना मैं आज आपको दूंगा। तो आप ये समझो कि उस साधक ने ऐसा क्यों बोला कि दिव्य दृष्टि वाली साधना को सब नहीं संभाल पाएंगे। आपने देखा होगा, सुना होगा, मिले होंगे ऐसे साधकों से जो कि थोड़ा पागल जैसे हो जाते हैं, ठीक है। मैं तो अच्छे अच्छे जो बहुत नामी गुरु हैं, जो बहुत कॉमर्शियल गुरु हैं भारत के, उनके ऐसे शिष्यों से मैं मिल चुका हूँ जिनको उन लोगों ने साधना कराया, अब वो पागल से घूमे फिर रहे हैं। क्यों घूमे फिर रहे हैं? जैसे एक महिला थी, उड़ीसा से थी, दिल्ली में रहती थी। उसके साथ क्या समस्या थी कि वो अपने गुरु के साथ रह के उसने एक साधना करी। साधना में गुरु उसको पिछले जन्म में ले गए। अब क्या होता है कि इनका मास लेवल पे साधना होता है, कि एक व्यक्ति के साथ तो वो साधना करते नहीं, वो पूरा एक ग्रुप को बैठा के साधना करवाते हैं। उसमें क्या हुआ कि जब वो औरत अपने पूर्व जन्म से इस जन्म में आ रही थी, तो एक आत्मा उसके साथ उस जन्म की लग गई, ठीक है। अब उसको वो आत्मा दिखाई देती थी, क्योंकि द्वार तो गुरु ने खोल दिया था, लेकिन गुरु के हिसाब से द्वार बंद हो गया, लेकिन द्वार बंद होने से पहले इसने वो शक्तियाँ अपने में समाहित कर ली। उसके बाद उनके गुरु के पास इतना समय नहीं कि ये इसको अपॉइंटमेंट दे और उसके बाद इसका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करे। वो आई हमारे पास, उसने बताया कि वो ऐसे ऐसे पिछले जन्म में गई थी, उसको इतनी सारी शक्तियाँ दिखी, उसमें से एक विधवा शक्ति थी जो उसके साथ हो ली है, वो हमेशा उसको दिखाई देती है। तो जब आप दिव्य दृष्टि खोलते हैं ना, तो हमारे मन पे, हमारे इंद्रियों पे प्रतिबंध लगाया गया। क्यों प्रतिबंध लगाया गया? क्योंकि कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिसे हमें नहीं देखना चाहिए, या कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो कि अपने दुनिया में रहती हैं। जैसे आप इस पृथ्वी पर रह रहे हो, मैंने पहले भी बताया है कि ये डायमेंशंस की दुनिया है। तो लेंथ ब्रेथ हाइट से हमारा डायमेंशन बना, लेंथ ब्रेथ से दूसरा डायमेंशन होगा, सिर्फ लेंथ एक अलग डायमेंशन होगा। तो इस तरीके से 9 मानक माने गए हैं एरिस्टोटल के मेटाफिजिक्स में, और सबका परमेंटेशन कॉम्बिनेशन एक अलग यूनिवर्स बनाता है। तो इस यूनिवर्स का जो 3 डायमेंशनल हमारा यूनिवर्स है, इसके लोग किसी और यूनिवर्स के लोग को नहीं देख सकते। और बहुत सारे ऐसे जीव आत्मा हमारी इस धरती पर चलते हैं जो कि हमें नहीं दिखाई देते, जो प्रोहिबिटेड है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था, अगर आपको ध्यान में हो, कि एक कछुआ, उसके आँख का शटर स्पीड इतना कम होता है कि वो तेज उड़ती हुई मधुमक्खी को नहीं देख सकता है। अगर एक मधुमक्खी उड़ रही है तो कछुए के लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि वो देख नहीं सकता। और उस मधुमक्खी के लिए चलता हुआ कछुआ कोई चीज़ ही नहीं है, इसके लिए गुरु का हुआ पत्थर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों की कैपेसिटी को बांधा गया। तो जब आप दिव्य दृष्टि की साधना शुरू करते हैं, तो ये सारे जो बाउंडेशंस हैं, ये सारे जो चीज़ें हैं जो कि आपको रोकती हैं इंटर डायमेंशनल एक्टिविटीज़ देखने से, या आपके डायमेंशन में जो ऐसी चीज़ें हैं उनको जो देखने से रोकती हैं, वो आपको दिखने शुरू हो जाती है। ये एक प्रक्रिया है जिससे ये होगा, आपके बंधन धीरे धीरे खुलने लगेंगे। ये पहली साधना मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग खुद को आंक सको, आप लोग खुद को तौल सको कि आप ये साधना को करने के लायक होगे नहीं या सक्षम होगे नहीं।
इसके बाद मैं दूसरी साधना दूंगा। देखो इस साधना में के दूसरे चरण में आपको एक वस्तु लगेगी, बहुत ही विशिष्ट तांत्रिक वस्तु लगेगी, उसका जब आप प्रयोग करेंगे तो सारी तरफ दिशाएं खुल जाएंगी। मतलब जिस समय आप इस मन से बैठोगे कि अब मुझे चीज़ें दिखनी शुरू हो जाए, आपके चारों तरफ एक अलग दुनिया खुल जाती है। ठीक है, तो समर्थ, एक तो अगर समर्थ गुरु नहीं है आपके पास तो एक समर्थ गुरु पकड़ लो, ठीक है, ताकि अगर कोई आपके पास आए, कोई शक्तियाँ आए, नेगेटिव शक्तियाँ आए, लोअर डायमेंशनल की एंटिटियाँ आए, तो उनको संभाल सके, या फिर खुद इतने सक्षम हो जाओ कि आप उन लोगों को संभाल सको। अभी मैं पहला मंत्र दे रहा हूँ, ये मंत्र पढ़ के आप जो है आह्वान करेंगे महादेव का। देखिए ये जो दिव्य शक्ति, दिव्य दृष्टि आपको दो ही शक्तियाँ दे सकती हैं, चाहे तो महाकाल या महाकाली। ठीक है, आज जो हम लोग शक्ति की बात कर रहे हैं तो वो महाकाल है। सबसे पहले आपको महाकाल को प्रणाम करके, और उसके बाद जो मैं अभी मंत्र स्क्रीन पर आ रहा है, इस मंत्र से महाकाल को प्रणाम करेंगे, उनको जितने तरीके के तरीके से आप प्रसन्न कर सकते हैं उतने तरीके की चीज़ें चढ़ाएंगे, और उसके बाद अभी जो दूसरा मंत्र आएगा उस दूसरे मंत्र का आपको 27 बार जाप करना है। स्पेसिफिक है 27 बार, विरूपाक्ष मंत्र है दिव्य दृष्टि के लिए, 27 बार से ज़्यादा आप लोग जाप मत करिएगा। ठीक है, तो इसका तरीका क्या है करने का, अगर आपके घर में शिवलिंग है तो ठीक है, तो उस शिवलिंग को आप जागृत, अगर जागृत अवस्था में तो बहुत बढ़िया बात है, उसके सामने आप बैठिएगा, हाँ, और उसके बाद उनके सामने धूप जलाइएगा, दीप जलाइएगा, नवेद लगाइएगा, पुष्प चढ़ाइएगा, धतूरा चढ़ाइएगा, मतलब जितने तरीके से आप महादेव को खुश कर सकते हो उतने तरीके से खुश करिएगा। देखिए शिवलिंग अगर मंदिर में आप कर रहे हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर आप घर पे कर रहे हैं और घर में शिवलिंग रखा, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, घर के शिवलिंग पे जब पूजा होती है ना, तो शिवलिंग को कभी भी परमानेंट मत कीजिएगा, परमानेंट उनको बैठाइएगा मत, उनको हमेशा हिलाते डुलाते रहना चाहिए। तो जब आप ये पूजा करने के लिए भी, महादेव की पूजा के लिए जब आप बैठिएगा, तो एक तो अपना जो मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, आकाशे ताड़कालिंगम पाताले हटिकेश्वर मृत्युलोके महाकालम सर्वलिंगम नमोस्तुते, ऐसा जो है जो प्रणाम है महादेव का, उस मुद्रा को बना के आप प्रणाम कर लीजिएगा। उसके बाद दीप और पंच को कर शब्द करिएगा, उसके बाद बैठ जाइएगा, आसन वासन मंत्र लगा करके थोड़ा देर महादेव का ध्यान करिएगा। ठीक है, ध्यान करने के बाद पहला मंत्र पढ़िएगा, पहला मंत्र के बाद तुरंत आपको जाप के लिए नहीं जाना है, आपको बैठना है। आप जब थोड़ी देर उस शिवलिंग को देखते हुए बैठिएगा, तो आप साधक वर्ग से हैं तो आपको तुरंत में आदेश होगा। ये मतलब कोई आप लोगों को लग रहा होगा कि आदेश कैसे होता है, आपको ऐसा एक चाहे तो मन में भाव आएगा, या फिर आपको सुनाई देगा, जो अच्छे साधक हैं उनको कान में सुनाई देगा कि अब आप जाप शुरू कर दीजिए। ठीक है, जब तक वो नहीं आपके कान में बोला जाएगा तब तक आप जाप शुरू नहीं कीजिएगा, आप आवाहन मतलब प्रणाम करके आवाहन करके बैठे रहिएगा। आपको जैसे भाव आएगा उसके बाद आप इसका जाप शुरू कीजिएगा। जाप कितना करना है, 27 करना है। ये नहीं कि मंत्र बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मैं 108 कर लूँ क्या, 1008 कर लूँ क्या, कर लो, लेकिन उसके बाद आप अपने खुद के लिए जिम्मेदार होगा, क्योंकि ये मंत्र पावरफुल है और ये धीरे धीरे डायमेंशंस खोलता है। तो ये भी समझ लो कि आप जब इससे अपना डायमेंशंस खोलोगे तो बहुत सारी तरह की शक्तियाँ आपके आसपास दिखाई देंगी। तो डरने का बात नहीं है, बंधन मंत्र है अपने पास, शरीर बंधन मंत्र है अपने पास, ग्रह बंधन मंत्र है अपने पास, हर तरह के मंत्रों का प्रयोग करते रहिए और मस्त रहिए। इस तंत्र के अगले क्रम में हमें एक जानवर की हड्डी लगती है, ठीक है, और एक दीपक लगता है। इन दोनों के साथ जब हम कुछ उपयोग करेंगे, ये उपयोग गृहस्थ भी कर पाएंगे, तो उससे जो बाई प्रोडक्ट बनेगा वो अपने साथ रखना होता है। और इस मंत्र के साथ जब उसका प्रयोग करेंगे, उस वस्तु का प्रयोग करेंगे, तो सारी दिशाएं खुल जाएंगी। लेकिन पहले चरण में और पब्लिक में उस वस्तु का ज्ञान देना और उसके साथ उस मंत्र को बताना, शायद जैसे मेरे साधक भाई ने फ़ोन करके बताया कि अहितकारी हो जाएगा, क्योंकि लोग पागल हो जाते हैं ना, वो हेलुसिनेशन होने लगता है। मेडिकल टर्म में क्या है कि हर चीज़ का जो है एक ही जवाब होता है, इनको हेलुसिनेशन हो रहा है, कुछ दिख रहा है तो इनको विजुअल हेलुसिनेशन हो रहा है, इनको सुनाई दे रहा है तो इनको ऑडियो हेलुसिनेशन हो रहा है, हाँ, इनको कुछ गंध आ रहा है तो इनको ओल्फैक्टरी मैनिफेस्टेशन हो रहा है।
तो ऐसा ही सब लोग आप लोगों को मतलब पागल समझने लगेंगे, तो ऐसा नहीं करने का। पहला चरण आप लोग कर लीजिए, दूसरा चरण मैं आप लोगों को फिर बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, कल मैं महातार बाबा जी का मंत्र आप लोगों को दूंगा। मैंने अपनी साधना का शुरुआत वहीं से किया था, तो आप लोग कल के वीडियो के लिए ज़रूर इंतज़ार करिए। एक बात और, आप लोग जो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सिर्फ देख के चले जाते हैं, आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मैंने एक ग्रुप बनाया है जिसमें मैं साधना सिखा रहा हूँ। अभी बेसिक साधना सिखा रहा हूँ, एडवांस किसी को नहीं सिखा रहा, क्योंकि बेसिक साधनाएँ अभी लोगों को नहीं आती हैं, आसन बंधन और ये सब सीखने के लिए। आप मेरे उस पेड ग्रुप से जुड़ जाइए जिनको भूत प्रेतों में इंटरेस्ट है, वो मेरी किताब है हैंडबुक फॉर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, वो खरीद सकते हैं ऑनलाइन, और मुझसे अपॉइंटमेंट लेके आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरा वेबसाइट है www.aghortantra.com। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप है, उसमें रुद्रनाथ सर्च करेंगे और आप मुझसे बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो के बाद अगले 45 दिन में हमारे पास कुछ ऐसे जरूर साधक होंगे जिनके जो है नैन चक्षु खुले होंगे। आप सभी को आदेश आदेश अलग खादेश।